तो ये सप्लाई सीधी हमारी कॉइल से होते हुए कलेक्टर पे आती है। अगर हम यहाँ तो या कोई भी एम्पियर हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। ये ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पे आता है डी डी, ये ग्राउंड लेता है। जैसे ही बेस पे प्लस आएगा तो ये ऑन हो जाएगा, इसका कलेक्टर और इमीटर आपस में जुड़ जाएगा। फ्रेंड्स, एबीसी बैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सुनूबर सर्किट के बारे में बताएंगे कि जो हमारा स्विचिंग एसएमपीएस पावर सप्लाई होता है, जैसे कि हमारा कोई भी चार्जर है, जैसे हमारा ये आप देख रहे हैं एक्जूम चार्जर है, यहाँ पे यूटीआर चार्जर है, या स्कूटी का बाइक का चार्जर है, कोई भी बाइक का चार्जर या स्कूटी का चार्जर है, उसमें हमेशा आप देख सकते हैं मेन ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा स्विचिंग ट्रांसफार्मर, यहाँ से हमें आउटपुट 15 वोल्ट 12 वोल्ट जो भी हम लेते हैं। ट्रांसफार्मर की ये कॉइल जो होती है, ये होती है आपकी प्राइमरी कॉइल, तो ये सेकेंडरी। प्राइमरी में यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगा के यहाँ पर कंडेंसर लगाया होता है, तो ये सप्लाई सीधी हमारी कॉइल से होते हुए कलेक्टर पे आती है। अगर हम यहाँ ट्रांजिस्टर वाली सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगाया गया, तो जो हमारी मोस्फेट की सप्लाई होती है जिसमें पावर ज्यादा चाहिए होती है, यहाँ हम कलेक्टर ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं, मोस्फेट भी लगा सकते हैं। तो ये जो हमारी 300 वोल्ट सप्लाई है, ये कॉइल से होती हुई ट्रांसफार्मर में से होती हुई यहाँ पे कलेक्टर पे आएगी, क्योंकि हमने इस कॉइल को स्विच करवाना है। तो ये जो हमारा है, ये हमारा ट्रांजिस्टर एनपीएन होगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर से हम सप्लाई को स्विच करवा रहे हैं। इसका नंबर है 13003 हो सकता है, 13002 या 3। तो या कोई भी एमपीएन हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। ये ट्रांजिस्टर हमारा यहाँ पे आता है DD139, ये हैवी ट्रांजिस्टर होता है, एमपीएन ट्रांजिस्टर VD139 एमपीएन ट्रांजिस्टर। तो हम इस कॉइल को स्विचिंग करवाएंगे इस ट्रांजिस्टर के बदौलत। तो ट्रांजिस्टर के बेस को जो ऑन ऑफ करवा रहा है स्विचिंग, यहाँ पे स्विचिंग आईसी लगाएंगे, ऑसिलेटर आईसी, जो कि ऑन होने पे एनपीएन ट्रांजिस्टर को ऑन करेगा। और एनपीएन ट्रांजिस्टर का काम ये होता है कि वो इमीटर से ग्राउंड लेता है, जैसे ही बेस पे प्लस आएगा तो ये ऑन हो जाएगा, इसका कलेक्टर और इमीटर आपस में जुड़ जाएगा। तो कलेक्टर मीटर आपस में जुड़ने से ये ग्राउंड यहाँ पे आएगा, तो ग्राउंड इस तरफ कॉइल में यहाँ तक आएगा। यहाँ पर हमारा जो 330 वोल्ट जो यहाँ पे आ रहा प्लस, तो ये ग्राउंड यहाँ तक आएगा। अब यहाँ पे दूसरी जो पल्स है हमारी माइनस आएगी, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ हो जाएगा, उस टाइम में ये प्लस हमारा यहाँ तक रहेगा, ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा, ये प्लस यहाँ से यहाँ तक आएगा। जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो ये माइनस यहाँ पे जाएगा, 300 वोल्ट को ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, यहाँ तक आएगा। तो इस प्रकार प्लस यहाँ तक रहेगा और माइनस जब ऑन होगा तो यहाँ तक आएगा, जब ये ऑफ रहेगा तो प्लस यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो ये जो हमारा सिस्टम है, तो इसको ऑन ऑफ की जो कॉइल होती है, तो यहाँ पे एक सर्किट लगा रहता है कॉइल के जस्ट बगल में, रेजिस्टर और कैपेसिटर और एक डायोड रहता है, इसको सुनूबर सर्किट कहते हैं। इसका काम ये होता है कि एक प्रोटेक्शन का काम भी करता है यहाँ पे सप्लाई को बचाने के लिए। यदि ये डायोड हमारा शॉर्ट हो जाता है तो ये ट्रांजिस्टर हमारा उसी टाइम जल के उग जाएगा, खराब हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। यदि ये डायोड हमारा शॉर्ट हो जाता है तो ये स्विचिंग आईसी भी हमारा हीट होके उड़ सकता है। यदि ये कैपेसिटर खराब होता है या ये रेजिस्टर ओपन होती है, इन तीनों में से कोई भी एक कंपोनेंट खराब होने से हमारा ये मेन अपना ट्रांजिस्टर या मेन मोस्फेट जो स्विचिंग करेगा सप्लाई को, वो और ऑसिलेटर आईसी दोनों के दोनों खराब हो सकते हैं, यहाँ तक कि ये सप्लाई हमारी जल भी सकती है।
वो क्यों किस लिए, ये सर्किट किस लिए लगाया होता है हमारा, ये इसलिए लगाया होता है कि यहाँ पे जैसे ही 300 वोल्ट हमारी स्विचिंग करती है तो ये इस कॉइल में 300 वोल्ट आएगी, कभी यहाँ प्लस बनेगा ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, तो कभी यहाँ माइनस आएगा, तो माइनस कभी यहाँ आएगा कभी प्लस यहाँ आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, ये इस प्रकार से कॉइल स्विचिंग होगी। जब हमारा यहाँ पे माइनस जाएगा तो हमारा यहाँ प्लस है तो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में बनेगा, तो कॉइल हमारी जो प्लस माइनस से चार्ज हो जाएगी, इसमें करंट जो है मैग्नेट के रूप में चार्ज होगा। हमारी जो कॉपर की कॉइल है उसका ये सिद्धांत है कि वो करंट को अपने अंदर चार्ज करती है, तो यहाँ पे इतनी कॉइल में ये करंट हमारा चार्ज हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। जो हमारा स्टोर हो जाता है करंट इसके अंदर, वो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में बाहर निकलता है। जैसे ही ये ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ होता है उस टाइम में यहाँ पे प्लस यहाँ तक आएगा, और ये 300 वोल्ट प्लस तो हमारा यहाँ तक है, लेकिन ये जो कॉइल के अंदर चार्ज 300 वोल्ट चार्ज हो गया है, 300 वोल्ट का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चार्ज हुआ है, वो भी 300 वोल्ट का ही चार्ज बन गया है, तो यहाँ पे हमारा 300 वोल्ट प्लस 300 वोल्ट ये हमारा 600 वोल्ट बन जाएगा टोटल यहाँ पे। तो ये 600 वोल्ट जो बनेगा उस कारण हमारा ट्रांजिस्टर 300 वोल्ट पे काम करने वाला ट्रांजिस्टर 600 वोल्ट पे काम करने लग जाएगा, और फिर दोबारा चार्ज होगा 600 वोल्ट पे, फिर वो 600 से 900 हो जाएगा, फिर 1200-1500 ये ट्रांजिस्टर हमारा जल के राख हो जाएगा और हो जाएगा गर्म होकर फट जाएगा और आईसी हमारा जल सकता है। और इसलिए कि ये सर्किट काम कैसे करता है, जैसे हमारा डबल वोल्टेज यहाँ पे बनेगा, जैसे हमारा ये ऑफ होगा, ध्यान से सुनेंगे इस बात को, जैसे ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा यहाँ पे उस टाइम 300 वोल्ट यहाँ तक आ रहा है, लेकिन जो कॉइल के अंदर चार्ज इकट्ठा हुआ है वो भी 300 वोल्ट का है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी 300 वोल्ट का चार्ज हो गया, वो यहाँ पे जो 300 वोल्ट आ रहा है वो अलग से, और जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चार्ज हो गया वो 300 वोल्ट अलग से, ये 600 वोल्ट जो बनेगा वो हमारा यहाँ पे आएगा इस डायरेक्ट पे, तो 300 वोल्ट तो यहाँ पे रहेगा रहेगा, जो हमारा चार्ज होगा इसके अंदर 300 वोल्ट का वो इस डायरेक्ट के थ्रू होता हुआ, इस रजिस्टर के थ्रू होता हुआ कुछ इधर को आ जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, और जो हमारा ये कैपेसिटर जब हमारा यहाँ से 300 वोल्ट जाएगा, ये कैपेसिटर चार्ज होगा क्योंकि इधर से भी 300 वोल्ट आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, ये चार्ज होगा, फिर जब ये इधर डिस्चार्ज होगा फिर ये चार्ज अपना डिस्चार्ज करेगा, तो कुछ इस कैपेसिटर के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा, तो कुछ इस डायोड रजिस्टर के थ्रू चार्ज होगा, ये कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज हो गए, कुछ करंट को खत्म करेगा कुछ मैग्नेटिक फील्ड को, ये रजिस्टर जो है इधर से निकाल के इस कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड कर देगा। तो इस प्रकार 300 वोल्ट ही यहाँ पे रहेगा क्योंकि 300 तो ऑलरेडी आ ही रहा है, लेकिन जो एक्स्ट्रा 300 वोल्ट हमारा जो है वो यहाँ से इस सर्किट के थ्रू कैपेसिटर के द्वारा डिस्चार्ज हो जाता है और इस कैपेसिटर के द्वारा। तो इस प्रकार ये कैपेसिटर जो है ये आगे मैग्नेटिक फील्ड के वोल्टेज को डिस्चार्ज करने का काम करता है जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहता है। जब ये ऑन होता है तब ये हमारा यहाँ पे प्लस माइनस करके इसको डिस्चार्ज करता है, लेकिन जब ये ऑफ रहता है तो उस टाइम का प्लस जो है एक्स्ट्रा बना हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का वो ये सर्किट डिस्चार्ज करता है। यदि यहाँ पे ये तीनों में से कोई ये भी कंपोनेंट हमारा ओपन हो जाता है या ये हमारा शॉर्ट हो जाता है तो हमारा सबसे पहले मोसफेट पड़ेगा जो हमारा स्विच कर रहा है कॉइल को, या हमारा ट्रांजिस्टर वाली सप्लाई है या मोसफेट वाली सप्लाई है, तो ये सबसे पहले फूक जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा और यहाँ तक कि इसमें आग भी लग सकती है और किसी फूक सकती है, और ये ट्रांजिस्टर जो हमारा ओसिलेटर आईसी है ये इसके साथ में जाएगा। तो कभी भी आपकी सप्लाई यदि फूकी है या उड़ी है खराब है तो सबसे पहले हमें मेन जो ट्रांसफार्मर है उसके साथ इस रजिस्टर को कैपेसिटर को डायोड को जरूर चेक कर लेना है, यदि ऐसा कुछ है तो इन तीनों को हमें चेंज भी करना है, तो उस कारण हमारी जो सप्लाई है जलने से बार बार जलने से बच जाएगी। अगर हमारा ये मोसफेट या ट्रांजिस्टर बार बार उड़ता है बार बार जलता है तो उसका रीजन ये है कि हमारे यहाँ पे ये डायोड जो है वो खराब है या शॉर्ट है। ये यहाँ पे हमारा इमीटर पे यहाँ पे लोड रजिस्टर लगी रहती है 1 ओम की, इस रजिस्टर के खराब हो जाने से ओपन हो जाने से ये फ्यूज रजिस्टर होती है, हमारा ये ट्रांजिस्टर या मोसफेट बार बार उड़ेगा या खराब होगा। इस तरीके से ये सर्किट जो हमारा है ये काम करता है कि सप्लाई की प्रोटेक्शन कैसे की जाती है। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो नेक्स्ट और भी अच्छी वीडियो पाने के लिए या किसी सर्किट में ऐसा केस में आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में देख के भेज सकते हैं कि SMPS में कौन सा सर्किट को आपको जानना है, किस प्रकार का फॉल्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम आपको इसी प्रकार से ब्लैकबोर्ड पर डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।